हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों स्टूडियो के अंदर अपन कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.5 का सातवें क्वेश्चन देखने वाले, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। उसमें दे रखा है 99 का क्यूब, यहाँ पर 99 का क्यूब दे रखा है। मैं 99 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 99 को 100 माइनस 1 लिखूँ तो बात एक ही है, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब, क्योंकि अपन को सर्व समीकरण यूज करनी है। यहाँ पर 100 को मैं x मान रहा हूँ, माइनस का माइनस 1 को y मान रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्व समीकरण बन रही है x माइनस y का क्या बन रही है, होल क्यूब। और हम जानते हैं x माइनस y का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और cos का एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है, अपन को इसका प्रसारित रूप करना है। एक्स क्यूब, एक्स का मान कितना है 100, तो यहाँ से हो जाएगा 100 का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई का मान 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा क्यूब माइनस 3xy, 3 इंटू एक्स का मान 100 है इंटू वाई का मान 1 है, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस वाई होगा क्योंकि ये सर्व समीकरण एक्स माइनस वाई का, तो x माइनस वाई यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस का ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब का मतलब ये हुआ 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने 0, 2, 4 और 6 0 आ जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा 6 0 मतलब 10 लाख हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद में माइनस ए का क्यूब, तो ए का क्यूब एक ही होता है, ठीक है, माइनस 3 इंटू 6 300 और इंटू ए करोगे 300, 300 का गुणा किसके साथ करना है, 100 में से 1 हटा दीजिए, 99 के साथ में गुणा करना है, तो यहाँ से आ जाएगा बराबर के अंदर 10 लाख माइनस 1 माइनस, इसका गुणा कर देते हैं, 9 दिए कितने होते हैं 27, 7 हासिल के 2 और 9 दिए 27, 28 और 29, पीछे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो हो गए, 29,700 और 1 जोड़ोगे तो 29,701, और ये संख्या है 10 लाख। कितनी है 10 लाख में से कितने घटाने हैं, 29,701, ये संख्या घटा लेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे 10 में से 1 गया पीछे बचा 9, ये बच जाएगा 9 का 9, 9 में से 7 गए पीछे बचे 2, और 9 में से 9 गए पीछे बचा 0, 9 में से 2 गए पीछे बचा 7, और 9 के 9 कितना गया 21 सैकड़ा हजार, 10 लाख, 9,70,299 बराबर आ जाएगा 9,70,299 इज द करेक्ट आंसर। 102 दे रखा है, 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 102 का होल क्यूब दे रखा है, 102 को मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, 100 प्लस 2 और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब, 100 को x मानिए प्लस का प्लस, 2 को y मानिए x प्लस वाई और इसके क्यूब है तो ऊपर क्यूब आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब सर्व समीकरण लग रही है, और x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हम जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy cos x प्लस वाई होता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में दे रखा है, इस क्वेश्चन को अपन इसमें बदलेंगे, x क्यूब x का मान कितना है 100, तो 100 का क्यूब प्लस वाई क्यूब, y का मान 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स का मान कितना है 100, तो 100 इंटू वाई का मान 2 तो वो 2, और x प्लस वाई मतलब कहने का है 100 प्लस 2। उसके बाद में देखिए 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब है वो 10 लाख होता है, 2, 4, 5 और 6, 0, और उसके बाद में प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस आ गया, 3 का गुणा 2 से करोगे 6, और 6 का गुणा 100 से करोगे कितना आ जाएगा 600, ठीक है, और 100 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 102। उसके बाद में क्या करना है, 102 का 100 से गुणा करना, 600 से करना है मतलब 102 इंटू 6 कर दोगे आप, 6 दूनी कितने होते 12 और 6 एकम 6, 600 कितना हो गया 12, तो 612 बराबर यहाँ पर 10 लाख प्लस 8 प्लस यहाँ पर 102 गुणा 6 किया था तो 6 दूनी कितना गया था 12 और 6 एकम 6, 612 और पीछे 2 0, 61,200 आ गया, 600 का गुणा 102 से करोगे 61,200। अब यहाँ से देखिए 61,208 और इस 10 लाख को क्या करना है, जोड़ देना है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ पर ये 10 लाख हो जाएंगे और 61,200
तो ये 61,200 और ये है 8, इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 8 का 8 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 2 का 2, 1 का 1, 6 का 6, 0 का 0, ये 10 लाख कितने हुए, 10,61,208। तो बराबर आंसर आ जाएगा 10,61,208 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस हमको सर्वसम्मति का यूज करना है, फिर उसके अंदर मान लिखना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 998 का होल क्यूब। मैं 998 को 1000 माइनस 2 लिख सकता हूँ, और इसके ऊपर 2 है तो ये 2। 1000 को मैंने x माना, माइनस का माइनस, यहाँ पर 2 को मैं y मान रहा हूँ, तो x माइनस वाई, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब। यहाँ पर सर्वसम्मति का बन रही है x माइनस वाई का होल क्यूब, और हम जानते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy कॉस्ट x माइनस y। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को इस पूरे प्रसारित रूप के अंदर बदल देंगे। यहाँ से x क्यूब, x का मान 1000 दे रखा है, तो अपन क्या कर देंगे, 1000 का क्यूब माइनस y क्यूब, y का मान 2 दे रखा है तो 2 का क्यूब माइनस 3xy, 3 इंटू x का मान कितना है 1000, इंटू y का मान 2, तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए कोष्ठक के अंदर क्या लिखना है, कोष्ठक के अंदर x माइनस वाई, x का मान 2000 है, 1000 माइनस 2 लिख दोगे। उसके बाद में यहाँ से करना है 1000 का क्यूब, आप जानते हैं 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 1000 का क्यूब का मतलब ये हुआ, अब 3 3 3 9, कितने जीरो आ जाएंगे पीछे, 9 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में क्या करना है, माइनस का माइनस, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। फिर यहाँ से देखिए माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ करोगे 6, और 6 का गुणा 1000 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 6000। ठीक है, फिर यहाँ पर कोष्ठक के अंदर गुणा में 1000 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 998। अब यहाँ से देखिए मैं डायरेक्टली इसको यही का ये लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 8, अब इसको गुणा करते हैं, 6000 का गुणा 998 से करना है। कहने का ये है कि 998 का गुणा 6 से कीजिए, 8 छके 48 का, 8 हजार का 4, और यहाँ पर 9 छके 54 होते, 54 और 4 कितने हो गए, 58, 8 हासिल के 5, और 9 छके 54, 54 और 5 कितने हो गए, 59। तो इसका मान आ रहा 5981, और इसके पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा लेंगे, तो ये मान कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 1000 लाख 10 लाख, 59,81,000 कितना हो जाएगा, माइनस का 59,88,000। अब आप ये कीजिए 59,88,000, ये भी माइनस का और ये भी माइनस, इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ जोड़ के इसमें क्या कर देना है, घटाव कर देना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद ये 59,88,000, और इसके साथ 8 जोड़ोगे तो पीछे 8 आ जाएगा, ये 8 0 0 और 8 8 9 5, और इसको कर देना माइनस, 10 में से 8 गए 2, 0 में से 0 गया, अब यहाँ से 10 में से 8 गए किसी में से 2, 9 में से 0 गया 9, और उसके बाद में यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पर कितना है 9, 9 में से 8 गया पीछे बचा 1, 9 में से 8 गया पीछे बचा 1, 9 में से 9 गए पीछे बचा 0, 9 में से 5 गए पीछे बचा 4, और यहाँ पर कितना है 9 के 9, और यहाँ पर 9 का 9, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 99,40,11,992 बराबर आ जाएगा 99,40,11,992 कितना आ रहा है, 11,992 इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।